तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पर। तो आप लोग देखते रहेगा एंड तक। तो आज मैं बनाऊंगी ये पत्ता वाला, ये है सब्जी, हम लोग खाते हैं ये सब्ज़ी बना के खाते हैं, ये भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ये गांव से आया था, त्रिपुरा से। और एक चीज़ है, ये है बेम्बू शूट। आज मैं बेम्बू शूट सब्जी बना के दिखाऊंगी कैसे बनाता है बेम्बू शूट, आप लोग देखते रहेगा। तो ये है बेम्बू शूट और आम जो गांव से आया था आप लोग को, जो मेरे पहले ब्लॉग पर दिखाया था। तो ये अभी मैं बेम्बू शूट को काटूंगी, पहले छिलके को फेंक दूंगी, हटा दूंगी, हटा के फेंकूंगी, आप लोग देखते रहेगा एंड तक। तो जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अभी मैं छिलके को हटा रही हूँ, अभी मैं कैसे वो बेम्बू शूट का सब्ज़ी बनाती हूँ आप लोग देखना। आप लोग भी जो बेम्बू शूट अभी तक नहीं खाए हैं, खा के देखो, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ तो बेम्बू शूट नहीं मिलता, खाने के लिए भी नहीं मिलता, बहुत टेस्टी होता है। हम लोग तो रोज खाते हैं, अभी बेम्बू शूट का सीजन है। तो हमारी ट्रेडिशनल ये फूड है नॉर्थ ईस्ट के साइड, जो जो लोग हमारी नॉर्थ ईस्ट के साइड लोग हैं, सब बेम्बू शूट खाते हैं। तो अभी मैं बेम्बू शूट के इस पार्ट को, ऊपर की जो सिल्के को हटा लूँगी, थोड़ा थोड़ा जो चाकू से फेंक दूँगी। तो सब सिल्के को हटा लिया, तो जो नीचे का वो हार्ट वाला वो पार्ट है ना, उसको फेंक दिया, वो नहीं खाते। जो ऊपर का जो नरम है उनको खाते हैं। जो ऊपर बहुत ऊपर का चीज़ है ना, वो बहुत मीठा होता है, हम लोग मुया बसोक बोलते हैं उसको। जो मैं तो बहुत टेस्टी बहुत खाती हूँ ये मुया बसोक को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वो ऊपर का वो चीज़ को भी फेंक दूँगी। तो ऐसे करके काटते हैं, आप लोग देखते रहेगा। तो एक और एक काट के दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं इस बेम्बू शूट को किस चीज़ से पकाऊंगे आप लोग को दिखाऊंगे। आप लोग बुरा मत मानना जो लोग ड्राई फिश नहीं खाते, हम लोग तो खाते हैं। तो आज मैं ड्राई फिश डाल के ये मुया अवंदरू पकाऊंगी। हमारी नोटिस पर यही खाते हैं, जो ड्राई फिश वाला जो सब्जी में डाल के खाते हैं। जो बेम्बू शूट को हम लोग मुया बोलते हैं। तो हम लोग खा के, ये सब खा के बहुत आदत है। मैं ड्राई फिश के साथ वो जो वो बेम्बू शूट का सब्जी अभी बनाते हैं। ये बेम्बू शूट को पकाऊंगी, मैंने काट के सब वॉश करके अभी मैं पकाने के लिए रेडी कर रहा हूँ। तो मैंने अभी थोड़ा सा डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। तो अभी पक रहा है, और भी पकना पड़ता है, बेम्बू शूट जल्दी नहीं पकता।
बहुत देर पकाना पड़ता है। अभी मैं हरी मिर्ची को काट लिया, अभी डाल दिया हूँ। ये है शीतल, हम लोग उनको बेरमा बोलते हैं। तो मैंने वॉश करके मैंने दो तीन वो ड्राई फिश को डाल दिया। तो अभी ये है चावल, ये भिगो के रखा है। तो अभी मैं ग्रैंड कर लिया, देखो अभी ग्रैंड करके डाल दिया ग्रेवी होने के लिए। तो पक गया मेरा बेम्बू शूट, तो सब्जी भी पक गया। हम लोग इस सब्जी को बोलते हैं मुया अवंद्रो। तो आप लोग कैसा लगा बेम्बू